तो फाइनल गाइस आप देख सकते हो हमारे गेम में मल्टीप्लेयर मोड आ चुका है और यहाँ पर मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ। अगर आप भी अपने दोस्त के साथ ऐसे ही मल्टीप्लेयर, तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। तो गाइस यार मुझे कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो ये मेरा इंडियन स्पेक ड्राइविंग 3D गेम है, इसमें मल्टीप्लेयर गेम कैसे खेलें, यानी कि अपने दोस्तों के साथ ये गेम कैसे खेलें मल्टीप्लेयर का। ऐसे ही कुछ कमेंट आ रहे थे कि बोल रहे थे कि मुझे मल्टीप्लेयर अपने दोस्तों के साथ भी खेलना है, तो कैसे खेलें। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बनाया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लेयर आप कैसे खेल सकते हो और आप मल्टीप्लेयर को कैसे ले सकते हो बाइक को और मल्टीप्लेयर का चिट कोड क्या है। तो इसीलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। तो अब बात करते हैं मल्टीप्लेयर के मोड के बारे में कि आप अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में मल्टीप्लेयर को कैसे खेल सकते हो और अगर इसका कोई चिट कोड है तो इसका चिट कोड क्या है। तो चलो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को ऑन कर देना होगा। तो अब बता देता हूँ आप लोग इंडियन स्पेक ड्राइविंग 3D में मल्टीप्लेयर को कैसे खेल सकते हो। तो देखो अभी तक हमारे इंडियन स्पेक ड्राइविंग 3D में मल्टीप्लेयर का ऑप्शन आया नहीं है, लेकिन अगर आप लोग खेलना चाहो तो खेल नहीं सकते हो, सच में बता रहा हूँ। तो गेम बजाना, क्योंकि देखो यार अभी तक हमारे इंडियन स्पेक ड्राइविंग 3D में कोई भी ऑप्शन नहीं आया मल्टीप्लेयर का कि हम लोग अपने गेम में इंडियन स्पेक ड्राइविंग 3D में गेम में कि अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी गेम खेल सके मल्टीप्लेयर। पर देखो दोस्तों डिमांड तो बहुत ज्यादा है मल्टीप्लेयर अपडेट लाने का, लेकिन रोहित गेम स्टूडियो सर क्या करते हैं इस अपडेट के बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं है। तो अब अगर आप लोग भी इंडियन स्पेक ड्राइविंग 3D में मल्टीप्लेयर का अपडेट मंगाना चाहते हो तो बहुत ज्यादा कमेंट करो। हाँ, अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी हमारे इंडियन स्पेक ड्राइविंग 3D में मल्टीप्लेयर का अपडेट देखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के, तब तक के लिए बाय।